कश्मीर घाटी में लगातार बेहतर होते हालातों के बीच पाकिस्तान की जमीन से भारत के प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला गया है। ये हमला भारत में रह रहे पाकिस्तान के 3 पूर्व उच्चायुक्तों ने विवादित बयान देकर बोला है। पूर्व उच्चायुक्तों के अनुसार इमरान खान सरकार का ये अधिकार है कि वो कश्मीर के सशस्त्र विद्रोह का समर्थन करें, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक है। पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार कश्मीर मसला उठाने की कोशिश कर रहा है। अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में भारत भी जवाब में पाकिस्तान के दांत दुनिया भर के मंचों पर लगातार खट्टे करता जा रहा है। पाकिस्तानी उच्चायुक्तों का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब हाल ही में पाकिस्तान और चीन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर नाकामी हाथ लगी है। आपको बता दें, रूस और फ्रांस ने इस बैठक के दौरान साफ कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मसला है। दुनिया के कई अन्य देशों ने भी नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले को आंतरिक मसला बताया था, जिस पर इमरान खान ने पीएम मोदी को फांसीवादी, नस्लवादी तक कह डाला। भारत और पाकिस्तान के बीच बने ताजा हालातों से साफ है जो हो रहा है वो शांति के अनुकूल नहीं है। कश्मीर मुद्दे को लेकर जहर उगलते पाकिस्तान के नेता और पूर्व उच्चायुक्त के बयानों से ये तो पाकिस्तान का भविष्य बर्बादी के चौराहे पर खड़ा नजर आ रहा है।